कल्चरल साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ को जब कल्चर के कॉन्सेप्ट में साइकोलॉजी ने देखा है मेंटल हेल्थ को तो इसके हवाले से ना दो अप्रोच हैं एक है यूनिवर्सलिज्म और एक है रिलेटिविज्म यूनिवर्सलिज्म ये कहती है कि पूरे दुनिया में जो जो किस्म के मेंटल हेल्थ और बीमारियां पाई जाती हैं डिसऑर्डर्स हैं कंडीशंस हैं सिम्टम्स हैं वो एक ही जैसे होते हैं और उसके नीचे कोई अंडरलाइन जो डिसऑर्डर है किसी ख़ास सिम्टम के जैसे दिल धड़कना है ख़्यालत आना है कानों में आवाज़ें आना है पट्ठे अकड़ जाना है जहन की तवज्जो ना होना है दिल घटना है रोने को दिल जाना है वगैरह 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 तो ये जो चीज़ें हैं जो सिम्टम्स कहलाती हैं इनके अंडरलाइंग यानी इनके पीछे कोई ख़ास डिसऑर्डर है और वो जो डिसऑर्डर है वो इसी तरीके से इन्हीं सिम्टम्स के साथ हर कल्चर में नमूदार होता है या नुमाया होता है या नज़र आता है मसलन अगर भूख ना लगना और चीज़ों में दिलचस्पी ना होना कोई सिम्टम है डिप्रेशन का तो तमाम कल्चर्स में जब किसी को आप देखेंगे कि उसकी भूख भी कम है नींद भी कम है वो रो भी रहा है उसका दिल नहीं लग रहा चीज़ों में उसकी आँखों में एक वीरानी है तो आप कहेंगे कि हाँ वो जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है मेंटल हेल्थ का उसके हिसाब से इसको शायद लो मूड या डिप्रेशन है जो मेंटल हेल्थ है ना उसका क्राइटेरिया होता है कि एब्सेंस फ्रॉम डिस्ट्रेस यानी आप जनरली अनकंफर्टेबल नहीं है डिस्ट्रेस नहीं है खुश हैं और दूसरा ही तो है कि आप डेली लाइफ में फंक्शनिंग कर रहे हैं ठीक तो नॉर्मल है आपके जो काम आपके ज़िम्मे हैं जो आपने रोज़ उठ के करने हैं जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं वो आप कर पा रहे हैं सबके सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं हाउस होल्ड वाली खातून घर के काम कर रही हैं जो आदमी हैं वो अपने बाहर के काम कर रहे हैं या जो दफ्तर जाते हैं मर्दों हजरात या ख़वा हजरात वो अपनी डेली जो लाइफ है उसकी फंक्शनिंग में ठीक हैं और इसका एक और क्राइटीरिया होता है कि इर्द गिर्द के लोगों के अंदर वो चीज़ नॉर्मल है ठीक है जैसे अपने से बातें करना अगर किसी कल्चर में नॉर्मल है लेकिन मेंटल हेल्थ के मैनुअल में वो एक स्किजोफ्रेनिया का सिम्टम है ख़ुद से बातें करना लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द वो नॉर्मल है तो फिर वो मेंटल हेल्थ का सिम्टम नहीं रहेगा आपके कल्चर के हिसाब से तो यूनिवर्सल ये कहते हैं कि कोई भी सिम्टम उसी तरह ज़ाहिर होता है तमाम कल्चर्स में और इसलिए उसके अंडरलाइन जो डिसऑर्डर है वो भी यूनिवर्सल है जबकि रिलेटिविस्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहता है कि यही जो इन्फॉर्मेशन है ये कल्चरल वेरिएशन हो सकती है सिम्टम की प्रेजेंटेशन में और अगर कल्चरल वेरिएशन है कुछ कल्चर में एक ख़ास जो कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है उसका वो सिम्टम नहीं होगा कुछ और तरह का सिम्टम होगा और आपको जब वो सिम्टम नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे क्या आप कहेंगे कि उसको ये बीमारी है ही नहीं तो इवन आपने कोविड के ज़माने में देखा होगा कि कुछ मरीज़ थे जो कहते थे कि उनकी उनका पेट बिल्कुल अपसेट नहीं हुआ और उनका सांस कोई ज़्यादा नहीं फूला और उनको हल्का सा सर में दर्द हुआ या बॉडी में पेन हुआ और कुछ कहते थे कि सांस का बहुत हुआ छींकें बहुत आई खांसी बहुत हुई ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ लेकिन पेट बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ और सर में कोई दर्द नहीं हुआ और बॉडी में नहीं हुआ एक पेंडेमिक है जिसको हम पेंडेमिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पूरी दुनिया में फैली है अपेडेमिक उसके अंदर भी हमारे ही एक स्ट्रीट के दस लोग जिनको कोविड हुआ है उन दस में भी सारे सिम्टम एक जैसे नहीं थे तो मेंटल हेल्थ में भी यही सूरत हाल होती है और उसको कल्चर से जब देखा गया कि उस कल्चर में वो जो सिम्टम है क्या उस बीमारी का वही सिम्टम है किसी और कल्चर और में भी वही सिम्टम है तो रेलेटिविस्टी कहते हैं कि उसको रेलिटिवली देखना चाहिए कि कल्चर स्पेसिफिक या कल्चर बाउंड सिम्टम्स कौन से होते हैं इसके लिए हम अगर कल्चर्स को देखें तो कैनेडा की जो फर्स्ट नेशंस जिन्हें कहते हैं वो हेल्थ को एक बैलेंस कहती हैं चार चीज़ों के बीच में जो कि इक्वल होना चाहिए उन सब में इंसान को एक जितना हेल्दी होना चाहिए और फिर वो मुकम्मल तौर पे हेल्दी होता है और ये चार जो हैं डिमेंशनस ह्यूमन बींग की वो है इमोशनल मेंटल स्पिरिचुअल एंड फिज़िकल फर्स्ट नेशंस जो हैं वो अक्सर रिलेशनल एथिक्स से गाइड होती हैं यानी रिश्तों के हिसाब से हमारी अखलाकियात क्या हैं जो कि कॉमनली दे आर नोन एज सेवन ग्रैंड फ़ादर टीचिंग्स यानी ग्रैंड फादर की जो तालीमात हैं वो विजडम लव रिस्पेक्ट ब्रेवरी ऑनेस्टी ह्यूमिलिटी एंड ट्रूथ तो ये सात जो टीचिंग्स हैं ग्रैंड की इससे आपकी हेल्थ रिटर्मिन हो रही है ठीक मेंटल हेल्थ कि आप कितना ज़ेनी तौर तो पर ठीक है इस हिसाब से अगर देखा जाए और इमाम ग़ाली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो जो इंसान कमीना है वो मेंटली हेल्दी नहीं है जो इंसान तकबर में है वो मेंटली हेल्दी नहीं है जो इंसान कंजूस है वो मेंटली हेल्दी नहीं है जो जालिम है वो मेंटल हेल्थ उसकी ठीक हो तो हो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी स्पिचुअल और इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है तो ये इंडिजिनस पर्सपेक्टिव्स हैं इस तरह न्यूजीलैंड में जो मॉरी कॉन्सेप्ट है हेल्थ एंड वेलबींग का वो उनकी टर्यर टापा व मॉडल है वो ये कहता है कि आप एक घर की तरह है ये जो पूरा मॉडल है हेल्थ का आपके ज़मीन नीचे क्या है जो लैंड है और वो जो फोर पॉइंट्स हैं पिलर्स हैं पोल्स जिस पे घर स्टैंड करता है वो क्या है तो ये वही जो हमने चार किस्म की हेल्थ की बात की है कैनेडा की फर्स्ट नेशंस में वही न्यूजीलैंड के मोरी में भी नज़र आती है कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स जो हैं वो होते हैं कि एक कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमानी और नफ्साती सिम्टम्स का जो किसी कल्चर में इलनेस के तौर पे ज़ाहिर होती हैं और किसी ख़ास कल्चर में होते हैं किसी और कल्चर में वो उस तरह नहीं मिलते उसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं ये डी एस एम फोर टी आर जो रिवाइज वर्जन है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का 2000 का उन्होंने एक सिंड्रोम इस तरह का डिस्कवर किया है जिसके ऊपर हमारे यहाँ की एक डॉक्टर हैं उन्होंने पीएचडी भी की है एक साइकोलॉजिस्ट हैं इसको धात सिंड्रोम कहते हैं इंडिया में ये एक एंजाइटी होती है मर्दों के अंदर जिसका उनका सेक्सुअल परफॉर्मेंस से ताल्लुक़ होता है और उनमें खौफ होता है कि इसके बाद उन उनके जिसम से कुछ निकल जाएगा फिर अमोक और सडन अनएक्सप्लेन पागलों की तरह ना एक वहशत तारी होना और उसमें दौड़ भाग करना और वायलेंस होना ये मलेशिया में इसको एमोक के नाम से था इसीलिए इंग्लिश में आपको एक एक्सप्रेशन भी मिलेगा रनिंग अमोक जिसका मतलब होता है वहशत में इधर उधर दौड़ना और कोरो का कॉन्सेप्ट है साउथ एशिया और चाइना में ये भी एक इंटेंस एंगजाइटी होती है कि आपके जो जिसम के सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर घुस जाएंगे और वापस चले जाएंगे अब ये एक रियल मर्ज है ये खौफ है जो कुछ मरीज़ जब आए हैं साइकोलॉजिस्ट के पास तो उनमें ये पाया गया है और अब इसके ऊपर इतनी स्टडी हो गई है कि इसके ऊपर बाकायदा अमेरिकन एसोसिएशन ने साइकट्री की इसको लिख दिया है कि ये ख़ास कल्चर में ये ख़ास देनी मर्ज पाया जाता है और बाकी जगहों पर ये नहीं है तो इंडिजिनस साइकोलॉजी जो डिवेलप होती हैं वो वेस्टर्न साइकोलॉजी के रिएक्शन में हुई ताकि ये मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी से हट के ये इंट्रा इंडिविजुअल फैक्टर्स के ऊपर भी जोर देती हैं इलनेस को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे हिस्ट्री है सोशल फैक्टर्स हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं और कल्चरल फैक्टर्स हैं कि हेल्थ में जो फ़र्क है लोगों की उनके सिम्टम्स में जो फ़र्क है वो क्यों है किसी कल्चर में कोई ज़्यादा बीमारी पाई जाती है या कोई ज़्यादा मौत होती है किसी बीमारी से जैसे कैंसर कुछ जगहों पे है एड्स कुछ जगहों पे ज़्यादा था कुछ जगहों पे एड्स आया ही नहीं और अभी भी कम है तो वो ये जो इंडिजन साइकोलॉजी है वो ये भी देखती हैं कि कौन सी हेल्थ की चीज़ें जो हैं वो कल्चर से रिलेटेड है उसको देख के आप पूरी तरह मेंटल हेल्थ को डिज़ीज़ को उसकी ट्रीटमेंट को और उसके डायग्नोसिस को बेहतर समझ सकते